How are you, my? Okay. Today we will start our fourth lesson. The name of the lesson is Major Religions of India. आपको पता है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन्स हैं, ठीक है ना, बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो है, व्हाट इज सेक्युलरिज्म? सेक्युलरिज्म मतलब होता है कि सारे धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर जो है रहते हैं और एक साथ जो है वो सब त्योहार मनाते हैं, ये सब करते हैं, उसको बोलते हैं सेक्युलरिज्म। तो आपको ये सब पढ़ना है एंड रिलीजियस एंड देयर प्लेस ऑफ वर्शिप एंड रिलीजियस बुक दे हैव टू रीड, ओके। तो फर्स्ट नंबर, इंडिया डजंट रिकॉग्नाइज एनी रिलीजन एज स्टेट रिलीजन, बराबर है। आपको बताया जैसे पूरा इंडिया का मैप आपको बताया है ना, तो सभी जगह अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन किसी एक जगह पर एक धर्म नहीं है। आपको लगता है जैसे गुजरात में बहुत सारे बंगाली भी रहते हैं, राजस्थानी भी रहते हैं, सब मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग रहते हैं मिलजुल कर, पूरे देश में फैले हुए हैं सारे धर्म के लोग, ठीक है। तो इट इज अ सेक्युलर कंट्री, हर जगह हर कोई जाकर रह सकता है, उनके त्योहार मना सकता है, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय सेक्युलरिज्म? तो सेक्युलरिज्म मीन्स नॉट टू बी कनेक्टेड विद एनी रिलीजन, मतलब हम जो है अपने साथ साथ जो है वो सारे धर्म को, कोई फोर्स नहीं है आपको कि आप इस धर्म का पालन करो, है ना। हमको अपना धर्म पालन कर सकते हैं और लेकिन सबके साथ मिलजुल के रह सकते हैं। हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड ज़ोरोस्ट्रिज्म आर द मेजर रिलीजन्स ऑफ इंडिया, ओके। फॉलोअर्स ऑफ ज़ोरोस्ट्रिज्म आर कॉल्ड पारसीज, पारसीज लोगों का नाम सुना होगा, है ना, पतिति बनाते हैं ना जो लोग, दीज आर कॉल्ड पारसीज। तो दे फ्लेड फ्रॉम देयर नेटिव प्लेस इन प्रशिया इन 7th सेंचुरी एंड सेटल्ड इन इंडिया, वो लोग इंडिया में आके दूसरी जगह रहते थे प्रशिया में और इंडिया में आके सेटल हुए थे, तो वो लोग हमारे देश में भी रहते हैं, ठीक है। तो मेन रिलीजन एंड देयर प्लेस ऑफ वर्शिप एंड देयर रिलीजियस बुक्स रीड अबाउट देम, ओके। तो वन है हिंदुइज्म, हिंदुइज्म मीन्स हिंदू धर्म का जो पालन करते हैं, हिंदू धर्म जो मानते हैं, दे आर कॉल्ड हिंदूज, ओके। तो हिंदूज गोज टू टेम्पल फॉर वर्शिप, ओके, मालूम है ना, आप भी मंदिर जाते हो पूजा करने के लिए। एंड देयर रिलीजियस बुक्स आर वेदास, उपनिषद्स, पुराण, भगवत गीता, रामायण एंड बाइबल, सॉरी रामायण, ओके। तो यहाँ तक आपको इतने सारे हमारे हैं, वेद होते हैं, उपनिषद की बुक्स होती है हमारी, पुराण की बुक होती है ना, ये तो बहुत ओल्ड है, लेकिन भगवत गीता तो आपको पता है और रामायण भी पता है ना, ये तो हमारे घर में होती है, बराबर है। और दूसरी बहुत सारी बुक्स, छोटी छोटी बहुत सारी बुक होती है, जैसे आप देखते होंगे आपके मम्मी पापा सब पढ़ते होंगे, कोई चालीसा पढ़ता है, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, शिव चालीसा पढ़ते हैं ना, ये बुक, ये सब हमारी रिलीजियस बुक कहलाती है, ठीक है। तो मेन बुक कौन सी हमारी, दीज आर वेदास, उपनिषद, पुराण, भगवत गीता एंड रामायण, ओके। सेकेंड वन इज क्रिश्चियंस, क्रिश्चियन गोज टू चर्च फॉर प्रे, है ना, प्रे करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, एंड देयर रिलीजियस बुक इज बाइबल, एक ही बुक है उनकी बाइबल की, उसी में सब कुछ, जीसस क्राइस्ट के बारे में सब कुछ लिखा है, उनके उपदेश लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से थर्ड वन इज इस्लाम, इस्लाम मीन्स मुस्लिम धर्म, मुस्लिम मानने वाले लोगों का, मुस्लिम लोग जो है वो इस्लाम धर्म मानते हैं, तो दे गोज टू मॉस्क्यू, मस्जिद में जाते हैं, एंड देयर रिलीजियस बुक इज कुरान, उनकी कुरान बुक है वो पढ़ते हैं। फोर्थ है ज़ोरोस्ट्रिज्म, दे गोज टू फायर टेम्पल, है ना, दीज आर पारसीज एंड दे गोज टू फायर टेम्पल एंड देयर रिलीजियस बुक इज अवेस्टा, जैन अवेस्टा, अवेस्टा करके बुक है, वो लोग ये वाली बुक पढ़ते हैं, दे टू रीड दीज बुक। सिखिज्म, सिखिज्म जो है सिख लोग होते हैं, सरदार लोग होते हैं ना, उनको सिख बोलते हैं, पंजाबी से होते हैं, तो दे गोज टू गुरुद्वारा फॉर, क्या बोलते हैं वो लोग, मत्था टेकना बोलते हैं, प्रेयर करने जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, मत्था टेकना बोलते हैं, वहां जाते हैं एंड देयर रिलीजियस बुक इज गुरु ग्रंथ साहब, हमारी रामायण होती है ना जैसे, ऐसे उनकी बड़ी बुक होती है उसको गुरु ग्रंथ साहब बोलते हैं, ठीक है। जुडेशियम, ये लोग जाते हैं साइनागोग
और इनका जो है रिलीजियस बुक है टॉर, ये इनकी रिलीजियस बुक है. तो दीज आर सिक्स रिलीजन एंड देयर प्लेस ऑफ वर्शिप एंड देयर रिलीजियस बुक. तो यू हैव टू लर्न ऑल दीज थिंग्स. ओके नाउ फेमस प्लेसेस ऑफ वर्शिप. अब हमारे इंडिया में तो बहुत सारे प्लेसेस है वर्शिप जाने के लिए हमको, है ना, भगवान की. तो इट इज जगन्नाथ टेम्पल, इट इज इन ओडिशा. ओके फिर जामा मस्जिद, आपको मालूम है दिल्ली की सबसे बड़ी जामा मस्जिद है. तो दिस इट इज जामा मस्जिद. द गोल्डन टेम्पल ऑफ अमृतसर, इट इज इन अमृतसर. बराबर है, ये जो है सिख लोगों का है सबसे बड़ा टेम्पल है. ओके एंड नेक्स्ट पेज, दिस इज चर्च. चर्च सब जगह होता है ना. फायर टेम्पल एंड दिस इज साइना गो. तो ये आपके जो है रिलीजियस जो है वो अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग जो है वो अलग अलग उनके प्रार्थना स्थल है. ठीक है चलो. नाउ सी इन्फो बॉक्स. द वर्ड स्लम सिग्निफाइज सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड. उसका मीनिंग है ये विल ऑफ गॉड मीन्स स्लम. ओके तो इस्लाम और ये ऑरिजिनेटेड इन अरेबिया एंड लेटर स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. मुस्लिम्स बिलीव दैट, मुस्लिम लोग इस्लाम धर्म मानते हैं, वो क्या विश्वास करते हैं, दैट देयर इज ओनली वन गॉड, एक ही गॉड है अल्लाह. दे ऑल्सो बिलीव दैट प्रोफेट मोहम्मद वॉज द लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह. वो उसको मैसेंजर बताया है कि वो पैगम्बर, जिसको बोलते हैं हिंदी में पैगम्बर है, कौन है, प्रॉफेट मोहम्मद. ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको आता है, आपको ऐसा लर्न करना है. ओके अकबर फॉर्म द रिलीजन कॉल्ड दीने इलाही. दीने इलाही धर्म जो है अकबर ने चलाया था. आपने जूदा अकबर मूवी देखी होगी ना, उसमें बताया था. तो उसने जो धर्म चलाया था उसको बोलते हैं दीने इलाही. ओके बुद्धिज्म ओरिजिनेटेड इन इंडिया एंड लेटर स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. बुद्धिज्म मतलब बौद्ध धर्म जिसको बोलते हैं, है ना. तो हम लोग जैन लोग के होते हैं बहुत सारे, तो बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग बहुत कम है, क्योंकि वो गौतम बुद्ध ने चलाया था लेकिन वो ज्यादा स्प्रेड नहीं हुआ हमारे देश में. सम्राट अशोक था, उसने हमारे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा नेपाल में इधर सब जगह फैलाया था, लेकिन फिर उसके बेटा बेटी दोनों ने जाके जो है वो फॉरेन में, जापान में, नेपाल में, ऐसे सिंगापुर में, वहां पे जाके जो है वो बौद्ध धर्म स्प्रेड किया था. लेकिन वो थोड़ा हमारे देश में जो है वो लगभग लुप्त हो गया है, बंद हो गया है. ठीक है. तो ये जो है आपका रिलीजियस का चैप्टर ओवर हुआ है यहाँ पर, और आपको जो है सब CW में पूरा ही लिखना है और HW में लिखना है. ओके और लर्न भी करके रखना है. एक साथ जो है 3 या 4 लेसन की आपकी नेक्स्ट वीक में टेस्ट होने वाली है. ठीक है. तो आप एटलीस्ट 4 लेसन आप बिल्कुल कंप्लीट लर्न करके रखो. इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट वर्ड, ये सब आपको पूछने वाली हूँ मैं. ठीक है. ओके थैंक यू.